नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर और मैं हूं आपका दोस्त मनीष शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मंदसौर के किले के इतिहास के बारे में। मंदसौर का किला ये मालवा की ऐतिहासिक धरोहर है। इस किले की संपूर्ण जानकारी और इस किले से जुड़ा इतिहास वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। हम वीडियो शुरू करें दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद हमारे प्राचीन और ऐतिहासिक इतिहास से वर्तमान पीढ़ी का परिचय कराना है और हम निरंतर ही ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में स्थित ये प्राचीन और ऐतिहासिक किला इतिहास की अद्भुत धरोहर है। इस किले ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस प्राचीन किले में 12 दरवाजे हैं जो इस किले की शान को आज भी कायम रखे हैं। इस किले में इतिहास की सुगंध आज भी महकती है। इस किले में वर्तमान रूप से इतिहास के उन लम्हों को आज भी देखा जा सकता है। ये किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस किले से जुड़े इतिहास के बारे में। मंदसौर शहर मालवा और मेवाड़ की सीमा पर स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर था और इस कारण ये शहर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ये वो समय था जब तैमूर ने हमला किया था और इस हमले के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी। दिलावर खान गोरी दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान मध्य भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर थे। दिलावर खान ने सन 1401 में खुद को मालवा का सुल्तान घोषित कर दिया था। इस प्रकार वो मालवा के पहले राजा के रूप में मांडू आए थे। दिलावर ने अपनी राजधानी धार से मांडू में स्थानांतरित कर दी थी। दिलावर खान गोरी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र हुशंगशाह गोरी हुए। मिराज सिकंदरी पुस्तक के अनुसार हुशंगशाह गोरी ने 1405 से 1435 के मध्य उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मंदसौर में किले का निर्माण करवाया था। उन्हें वास्तुकला में अपने अद्भुत स्वाद के लिए याद किया जाता है। इस समय तक मेवाड़ के सिसोदिया शासक मजबूत होते जा रहे थे। मंदसौर का किला मुख्य रूप से मांडू शासकों से जुड़ा था। सन 1519 में इस किले पर राणा सांगा ने कब्जा कर लिया था और अशोक कमल राजपूत को अपना केदार नियुक्त किया था। सन 1535 में हुमायूं ने भी अपने मालवा अभियान के दौरान कुछ महीने तक इस किले में निवास किया था। शेरशाह के काल में सदर खान को इस किले का केदार नियुक्त किया गया था। अकबर के शासन के दौरान मंदसौर को सरकार का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 1733 में मुगलों के मालवा के सूबेदार समय जयसिंह ने मंदसौर के किले पर हमला किया, लेकिन वे मराठों से हार गए और इस किले पर मराठों का कब्जा हो गया। मंदसौर के किले में ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मल्हारराव होलकर द्वितीय और सन जॉन मेलकम की तांतिया जोग सेनापति के बीच हुई संधि, जिसके तहत मालवा ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया था। इस प्राचीन किले ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया है। इस किले ने मालवा सहित देश की आज़ादी को ब्रिटिश शासन से प्राप्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मालवा के मंदसौर में स्थित ये प्राचीन और ऐतिहासिक किला मालवा की अनुपम धरोहर है। इस किले ने इतिहास को अपने सामने से गुजरते हुए देखा है। संपूर्ण मालवा क्षेत्र के लोगों को इस किले पर गर्व है। तो दोस्तों, ये था मालवा के मंदसौर से जुड़े किले का इतिहास और कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद हमारे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास के ऐसे ही स्थानों से वर्तमान पीढ़ी का परिचय कराना है और हम निरंतर ही ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय मंदसौर।